भाई साहब अपन चले हैं मॉडिफिकेशन की वीडियो बनाने पर, डेली ऑब्जर्वेशन मिल रही है, फेजर वांट्स टू रेस भाई गलत साइड से मत लो, ये क्या कर रही है? कितना मत दिखाओ ना कि मैं कंफ्यूज ना लगाऊं कौन से। विदाउट टेल कैसी लग रही है R15? देखो भाई यार खतरनाक ही नंगी लग रही है एकदम पिक्चर। तो क्या हाल है भाइयों के, सो हेगाइस वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो ये वाली वीडियो होने वाली है फुल वाइजर बंद करके, रीज़न उसका ये है कि ठंड हो गई है अब और जैसे मेरे को आगे व्लॉग्स वगैरह करने हैं तो वाइजर बंद करना पड़ेगा, तो टेस्ट कर लेंगे इस व्लॉग में कि ऑडियो कैसी आ रही है। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वीडियो कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। वैसे थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, बट स्टिल मैं बता देता हूं तुमको कि इसमें हम इंस्टॉल करने वाले हैं टेल टाइडी और इंडिकेटर्स। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता होगा भाई कि कैसे मैंने 2 महीने निकाल दिए हैं इंडिकेटर्स विदाउट इंडिकेटर्स। तुमने देखा होगा मेरी टेल का हाल कैसा है। एक ना कंजूसियत की हद होती है, वो मतलब लिमिट होती है, ठीक है, तो उसको पार कर दिया मैंने अब, और अब मैंने सोचा कि बस अब तो लगवा ही लेना यार। नॉट कंजूसियत, कंजूसियत नहीं बोल सकते इसको, बोल सकते लैक ऑफ कंटेंट। मैंने सोचा था मॉडिफिकेशन वाली वीडियोस मैं तब बनाऊंगा जब मेरे पास कंटेंट बचेगा नहीं या फिर थोड़ी मुश्किल होगी कंटेंट ढूंढने में। तो जैसे मैंने स्टार्ट करी थी डेली ऑब्जर्वेशंस तो मैं अराउंड एक हफ्ते से घूमे जा रहा हूँ और कोई कंटेंट नहीं मिल रहा मेरे को। तो अगर चैनल ग्रो करना है तो चैनल पर कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, तो वीडियो अपलोड करनी तो थी, तो इसीलिए मैं आज ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। ओ भाई साहब अपन चले हैं मॉडिफिकेशन की वीडियो बनाने पर, डेली ऑब्जर्वेशन मिल रही है, फेजर वांट्स टू रेस। भाई के पास नहीं है हेलमेट बट स्टिल भाई चला रहे हैं तेज। ओ भाई साहब बड़ी ज़्यादा क्लोज कॉल हो रही है भाई की। करे इस वीडियो को और सेपरेट डाले कि इस वीडियो को इसमें डाले सोचना पड़ेगा। एक तो ठंड है, तेज चलने का मन नहीं कर रहा, ऊपर से मैंने जैकेट वगैरह कुछ नहीं पहनी है। ओ भाई ये क्या कर रहे हैं, ओ भाई गलत साइड से मत लो, ये क्या कर रहे हैं, ओ भाई। ओके तो वीडियो के पहले एक डिस्क्लेमर है, मेरे घर के पास ही है मॉडिफिकेशन वाली शॉप, तो मैं इसीलिए घर वाले कपड़ों में हूँ और मैंने इसीलिए चप्पल पहनी हुई है, बट तुम जब भी बाइक राइड करो तब शूज़ पहनो बिकॉज चप्पल रिस्की है। ये थोड़ा बहुत वीडियो के लिए बोलना था तो मैं थोड़ा लंबा चक्कर करके आया, नहीं तो ये मेरे घर की गली है और यहीं पर अनमोल भाई की शॉप है बिल्कुल मतलब दो पैर, तो इसीलिए मैं चप्पलों में हूँ। भाई फिर से हम अनमोल भाई की शॉप पे आ गए, तो अनमोल भाई कैसे हो? बढ़िया बस बढ़िया भाई। तो भाई को मैंने पहले ही बता दिया था कि मैंने आज क्या काम करा है, तो भाई दिखा दो यार आज इंडिकेटर दिखाना है, हमारे न्यू मेंबर हेलमेट है भाई, शर्माते बड़े। भाई इंडिकेटर में बता देना कौन कौन से क्या क्या करते हैं। भाई भाई की शॉप देखो, अब उस दिन मैं आया था बिल्कुल खाली थी और अब सामान देखो भाई, एग्जॉस्ट बैंड पाइप ग्लव्स हेलमेट सब कुछ है भाई। अब तो भाई भयंकर चीज़ें ले आए हैं भाई, अब और ये बहुत पसंद आ रहा है भाई मेरे को, साथ में बैंड पाइप भी है तो इसको भी लगाएंगे कभी, और बाकी यार ये चीज़ देखो अल्पाइन स्टार के ग्लव्स पसंद आ रहे हैं बट इस टाइम बजट के बाहर हैं, तो देखते भाई कब लेते हैं इनको, मतलब बढ़िया लग रही है शॉप अब। बस करो भाई कंफ्यूज हो जाऊँगा मैं। 100 रुपये से कौन से 100 रुपये वाले? वाह यार भाई वाह, बाकी प्राइसिंग बताई दो। 400 का 300 का 400 का 350 का 400 का 350 का 400 का
450 का पेयर है ना पेयर। अब मेरे को बताओ R15 KTM का ओरिजिनल इंडिकेटर आता है, बिल्कुल इसी तरह है, प्रो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ये फ्लेक्सिबल है ना, मतलब स्ट्रांग है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है इसकी, है ना। तो मेरे पास फ्रंट के तो इंडिकेटर्स है ना, मैंने रियर में लगाने हैं, तो बढ़िया से बताओ कोई रियर में, क्योंकि दिक्कत पता क्या इतने ज़्यादा मैं कन्फ्यूज हो गया हूँ, तो आप बताओ। ये जो आपके ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जैसे रनिंग में सारे रनिंग में चलते हैं, मतलब बताओ रनिंग मतलब क्या होगा, मैं चला के दिखाता हूँ। ये इंडिकेटर और ये DRL, बहुत प्यारा भाई, बहुत प्यारा। अच्छा भाई, आप क्या बोल रहे थे कि अगर रनिंग होता है तो अगले भी रनिंग लगाने पड़ते हैं? अगले भी रनिंग लगाने पड़ेंगे, मतलब अगर मेरे को चूज करना है तो मेरे को सिंपल वाला चूज करना है, नहीं तो फिर अगला भी चेंज कराना पड़ेगा। रनिंग वाले लगाने पड़ेंगे आपको सारे। चलो ये भी बढ़िया बात है। और एक बात और, रनिंग में जो फ्लैशर होता है, ये फ्लैशर ना अलार्म लाइट, वो काम नहीं करता इसमें। अच्छा, बहुत बढ़िया, सिंपल वाले में काम करेगा फिर तो, मतलब सिंपल ही लगा, फिर रनिंग क्यों लगाने। ये स्टेबल है और फ्लेक्सिबल भी है, फ्लेक्सिबल मतलब बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इनकी, स्ट्रांग है। अच्छा, ऐसी लाइट है इनकी, बढ़िया है। बाकी कोई, बाकी ये सारे रनिंग में होंगे, तो आपके हिसाब से कौन सा लगाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये बड़े अच्छे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें, ये बढ़िया है ना, क्वालिटी अच्छी है। ठीक है भाई, ये डन करते। कितना रेट बताया था इनका आपने? 450। भाई एक और थी दिक्कत, एक ना बंदे का कमेंट आया था, बोला डिस्काउंट नहीं दिया मेरे को भाई ने। भाई देखो, अगर बंदा कोई बोले कि 100-200 की चीज़ में डिस्काउंट करें तो पॉसिबल नहीं है, अगर बंदा इकट्ठा काम कराएगा तो हो सकता है उसको डिस्काउंट दे देंगे, है ना। वो वैसा होगा ना, बंदा 200-300 में डिस्काउंट कहाँ से मांगा, है ना, डिस्काउंट नहीं होगा। तो भाई दिक्कत, डिस्काउंट मिलेगा बट बड़ी आइटम लोगे तब मिलेगा, है ना। इकट्ठा काम करा लो, आपको डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। इंडिकेटर की चॉइस नहीं थी मेरे को, ये लगाने पड़ेंगे तो इंडिकेटर चूज हो गए। तो भाई अब टेल आईडी मैंने आपको बताई थी जैसी, हाँ टेल आईडी में आपको दिखा दो भाई। हाँ जी, सुपीरियर है थोड़ी। हाँ मैंने लाइट वाली मंगाई थी ना, अच्छी है इसकी क्वालिटी, बहुत एडजस्टेबल है। अच्छा एडजस्ट, हाँ। जैसा मर्जी लगा लो इसको, हाँ। बहुत बढ़िया भाई। ये लाइट भी नंबर प्लेट वाली जो एलईडी होती है, हाँ जी, इसके साथ चलान वगैरह का डर है ही नहीं। पर इसका रेट बता दोगे एक बार? रेट इसका भैया 950। हाँ क्वालिटी देख के बढ़िया, मतलब बिल्कुल ही लो है यार, मतलब अगर आप हाथ लगाओगे ना इसको लगेगा कि चीज़ पकड़ी है भाई कोई। तो ये फाइनल है ना फिर भाई, तो ये लगवाएंगे हम टेल टाइडी। तो भाई अब लगवाते हैं हमारे लक्की भाई, अब काम पे लग गए हैं। तो लक्की भाई कैसी लगती है टेल टाइडी? अच्छा पिछली सीट खोलेंगे, फिर पिछली सीट खोलेंगे, फिर इसके ब्रशर वगैरह खोलेंगे इसके। अच्छा, स्क्रू वगैरह दिए हुए हैं इसमें। अच्छा, चार मिनट खोलने पड़ेंगे बस, ये खोल गए और पीछे वाला टेल खोल दिया ना, उसके बाद निकलेगी ये बाहर। चलो बहुत बढ़िया भाई, विदाउट टेल कैसी लग रही है R15? देखो भाई यार, खतरनाक ही नंगी लग रही है एकदम पीछे, बट इसको नहीं खोलूँगा मैं अभी। बाकी तुम नीचे कमेंट करके बताओ इसको खोलना कि नहीं। और अपनी नई टेल आ चुकी है, तो बढ़िया कलर मिल गया, ब्लैक ब्लैक एकदम, मतलब मैच हो गया भाई के पास। अभी अवेलेबल भी ब्लैक था बट कलर और भी आते हैं, तो आप बात कर सकते हैं, मैं नंबर दे दूँगा भाई का। और बाकी अब देखते हैं इसकी फिटिंग वगैरह। थे आप कुछ इसको थोड़ा कवर करना पड़ता है, ये थोड़ा बाहर आ जाते हैं, इससे क्या होता है वो पानी अंदर चला जाता है। अच्छा, जो जगह खाली इससे ना, ये बंद करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना अगर आप भी लगवाओगे इसको कि ये बंद करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से पानी आएगा और ये सारा खराब हो जाएगा ना। डर भाई, शर्मा ही बढ़ा रहे थे, बोले मेरी वीडियो नहीं बनानी है ना भाई। अभी भी शर्मा रहे और मेरी वीडियो मत बना यार। देखने से लग रहा था कि लूज होगा थोड़ा बहुत, बट है भाई दम है, मतलब सही क्वालिटी लग रही है, हाथ लगाने में भी, देखने में भी, और इसको हिलाने में भी। तो इस टेल टाइडी का यही ड्रॉबैक है कि एक गत्ता वगैरह लगाना पड़ेगा कुछ, कि पानी रुक जाए, नहीं तो फिर अगर ये फ्यूज़ ख़राब हुआ तो बहुत महंगा फटका पड़ेगा। तो बस उसी की तैयारी हो रही है, गत्ता लगा रही है कि पानी अंदर ना आए बस, तो कुछ कुछ टाइम के बाद चेंज कराना पड़ेगा गत्ता, क्योंकि गत्ता भी फुली वाटर प्रूफ होता है नहीं। तो ये हमारे शर्माने वाले भाई जिन्होंने हमारा काम किया, ठीक है, थैंक यू भाई। तो ये हमारा पुराना
औजार। तो अब टाइम है निकलने का, बाकी आपको एक दिखाऊंगा मैं ब्रीफ की कैसा लग रही है। आराम से चलो बेटे, टेल निकली है तुम्हारी और कुछ नहीं हुआ। खुद को सुपर बाइक मत समझो। तो आई जस्ट थॉट कि निकले हैं तो स्टिकर वगैरह लगा ही लेते हैं। तो मड फ्लैप मैंने इसीलिए नहीं खोला बिकॉज ब्रांडिंग करानी थी, तो राइडर्स फ्रॉम हिल्स यहाँ पे एक और एक स्टिकर ये छोटे सा। तो निकलते हैं भाई, अभी शॉप से भी सवेरे का मैंने खाना तक नहीं खाया, तो जाके खाना खाते हैं। बाकी जस्ट चेकआउट द डेडिकेशन लेवल की भूखे प्यासे तुम्हारे लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ यार। तो इस डेडिकेशन को देख के एक लाइक कर दो, एक शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो तुमने कर रखा होगा और अगर नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। तो ऐसी कुछ अभी बाइक दिख रही है, तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट्स की कैसी लग रही है तुमको अभी प्रोफाइल इसकी। और अभी तुम बोलोगे मड फ्लैप क्यों नहीं खुलाया, तो इसके दो रीज़न्स है। एक तो ये कि अभी बारिश वगैरह होगी तो यहाँ पे ज़्यादा ही बारिश होती है, चीकड़ वगैरह होता है तो सारा उड़ के ऊपर आएगा, तो इसलिए मैंने ये खोला नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ब्रांडिंग होगी यार, यहाँ पे दूसरा बंदा देखेगा तो देखेगा भाई यूट्यूबर है रेड फ्रॉम। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। तर मिलते हैं अगली वीडियो में, बिकॉज घर आ गया मेरा और वीडियो एंड करनी पड़ेगी अब।